एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर अनार के बारे में दो वीडियो पहले से ही हैं। पहला वीडियो हमने अप्रैल में बनाया था, अप्रैल के शुरू में बनाया था, जब अचानक दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ी थी और हमारे जो फूल अनार पे आए थे वो एक साथ सारे सूख के गिर गए थे। पहले वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि अनार के सारे फूल गिर जाने के बाद में हमने अपने अनार की क्या केयर की थी, इसमें हमने क्या ऐसा किया था कि जिससे हमारे फूल दोबारा आए थे। और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि अनार के पौधे की कैसे केयर करनी है, क्या खाद डालनी है इसमें, कैसे कटिंग करनी है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अनार ले सकें। अगर आपके घर में ऑलरेडी अनार का पौधा लगा हुआ है या आप अनार का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें, उसमें दी गई जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और आपको अपने पौधे से ज़्यादा अनार लेने में आपकी मदद करेगी। अनार के ऊपर इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अपडेट कि हमारे जो फूल लगे थे उसमें कितने अनार लगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आप अपने घर में अनार को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे अनार में सेकेंड टाइम में करीब 15 फूल लगे थे। अनार के फूल तीन प्रकार के होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है और एक इंटरमीडिएट फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं। मेल फ्लावर तो आपका सूख के गिर जाता है, फीमेल फ्लावर जो है पोलिनेट होने के बाद में वो फ्रूट में बदलते हैं, और जो इंटरमीडिएट फ्लावर्स होते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि वो फ्रूट बन भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो टोटल 15 फ्लावर में से करीब 7 फ्लावर यानी कि 50% हमारे यहाँ कन्वर्ट हो गए फ्रूट में, और 7 में से भी एक जो है बीच में जो आंधियां वगैरह आई उसमें एक टूट के गिर गया, लेकिन बाकी 6 अभी जो है लगे हुए हैं और उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप जैसे कलर देख रहे हैं तो उनमें थोड़ा हल्का हल्का रेड कलर भी आना चालू हुआ है। अनार के फ्रूट को पकने में करीब 5 से 6 महीने लगते हैं। जब इसका स्किन का कलर थोड़ा सा येलिश हो जाए, थोड़ा सा रेडिश आने लगे और उसमें जब आप नॉक करें तो उसमें मेटेलिक साउंड आए तो आपको समझना चाहिए कि इसका फ्रूट पक गया है और उसको तोड़ लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि अनार का पौधा आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। अनार का पौधा आप बीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अनार के पौधे की आप कटिंग भी लगा सकते हैं। दोनों में से कौन सा पौधा आप चूज करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको अचीव क्या करना है। अगर आप अनार का पौधा सजावट के लिए लगाना चाहते हैं तो आप उसको बीज से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपके फ्रूट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। बीज से स्टार्ट किए पौधे में फ्रूट आने में 5 से 6 साल तक लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अनार के पौधे से फ्रूट लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि किसी अच्छी नर्सरी से जाके कटिंग से लगा हुआ पौधा आप लें, जिसमें कि आपका दूसरे साल से ही फ्रूट आना चालू हो सकता है। हमारा ये पौधा जो है हमारे यहाँ पे दूसरे साल में ही है और आप देख सकते हैं इसमें ठीक ठाक फ्रूट आने चालू हो गए हैं। अनार के पौधे की जब कटिंग आप शुरू में लेकर आते हैं तो शुरू में इसको हम लोग नाइट्रोजन ज्यादा वाली खाद देते हैं जिससे कि इसका विकास ज्यादा हो। अनार के पौधे में कटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो आपको इसको एक प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी कि ये आपका किस शेप में पौधा विकसित हो। सेकेंडली, आप जब कटिंग करते हैं तो उसमें नई ग्रोथ आती है, उसी नई ग्रोथ में आपके फ्लावर्स लगते हैं और उन्हीं फ्लावर्स से आपके फ्रूट बनते हैं। इंटरनेट से जो नॉलेज हमने गेन की थी उसके हिसाब से अनार के पौधे में अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो सिर्फ आपके साल में जो शुरू का सीजन होता है फरवरी मार्च का उसी में फूल आते हैं, और अगर आप साउथ इंडिया में हैं या सेंट्रल इंडिया में हैं तो वहां पे आपके साल में 3 बार फूल आते हैं, मार्च में, जुलाई में और सितंबर में। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे प्लांट में कुछ फूल आने चालू हुए हैं। एक फूल आप देख रहे हैं और 2-3 फूल छोटे छोटे उसके बड्स बन गए हैं, उनमें भी फूल आने वाले हैं 1-2 दिन में। मे बी ये शायद हमारे यहाँ पे जो लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में उसके असर से जो मौसम ठंडा हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, या मे बी ये जो प्लांट है हमने लगाया है कोई हाइब्रिड वेराइटी का है, इसमें नॉर्थ इंडिया में भी लगता है कि साल में 3 बार फूल आएंगे। तो ये थी जानकारी कि आप अपने घर में अनार के पौधे को कैसे लगा सकते हैं। आप अनार के पौधे को अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो ये पौधा लगा हुआ है मुश्किल से इसमें 12 इंच का गमला है और अच्छा खासा आप देख रहे हैं चल ही रहा है। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर जाके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या दूसरे सामान है उपलब्ध हैं उनमें आपकी जरूरत का जो सामान है उसे खरीद कर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।